हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं मसूरी, क्वीन ऑफ हिल्स। वहाँ पे लास्ट टाइम भी हम गए थे पिछले लॉकडाउन में, वहाँ पे गए थे लैंडोर बेकरी और मॉल रोड, जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ पे, और है चार दुकान, है ना। इन जगहों पे इस बारी जाना ही नहीं। जय माता दी बोलिए, जय माता दी रॉक्स, लेट्स रॉक जय माता दी। नोनो आज तक इतना अच्छा नहीं लग रहा, जितना उस दिन लग गया। मैंने तो खैर 50-100 बारी खाया हुआ है, मगर कल यार बहुत सालों बाद खाया ना, तभी सही ज्यादा लगा। ओ भाई, तेरे को याद है? बिल्कुल याद है। तेरे को पता है यानी कि हम महालक्ष्मी धाम गए थे कल, वहाँ भी गए थे महालक्ष्मी, उसकी जलेबी अच्छी है। ओ भाई साहब, भाई लोग चांदनी चौक में जाओ और महालक्ष्मी की भेड़मी पूरी खाओ, अल्टीमेट है अल्टीमेट। और ज्ञानी का स्पेशल रबड़ी फलूदा और मैंगो शेप, मैं वो शेप पीना बिल्कुल मत भूलना, और घंटे का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। भाई लोगों, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत जेन्युइन बारिश हो रही है। पता नहीं हम जा क्यों रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, हमें पता नहीं है। स्नोफॉल तो होनी जाएगी, बारिश ही होगी वहाँ पे भी, और वहाँ धूप निकली हो तो फिर तो जेन्युइन कट जाएगा। नहीं ऐसे टच करने के कितने पैसे? मैं बस रेट पूछ रहा हूँ। ऐसे टच करने के 10,000 बहुत ज्यादा है यार, 30,000 हो चुके हैं अभी तक। और ऐसे टच करने के 10,000 हो रहे हैं, ये तो लद्दाख जा रहा। और अगर मैं बैग पे टच कर लूँ तो फिर मैं टच कर ही लेता हूँ। ये निकले लद्दाख के लिए, घूमो चरी दुआरी पाएंगे। अबे बहन के लोग, हाँ जी बेटा, भाई लद्दाख पर नहीं है तो लद्दाख नहीं है भाई, ये तो गजूटर पे जा रहे हैं भाई। वो गजूटर खत्म ही होगा चेतक पे तक, बहन जब पीरी पीरिया स्कूटर को आग लगी हुई है। एक्टिवा 1,00,000 रुपए की हो गई है, 1,00,000 रुपए की एक्टिवा होगी भाई, तो मेरे पास पड़ी हुई है एक एक्टिव। वो भी हो गई होगी 40,000 रुपए की तो। क्या बात कर रहा है, माय गॉड, पड़ी पड़ी है, रेट बढ़ रहे उसके। अरे किसी को एक्टिवा चाहिए तो मेरे पास पड़ी है पुणे में। 200 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा अगर सब्सक्राइब कराए, घंटी का बटन दबाया, नोटिफिकेशन ऑन है, और ये सब चीजें वक्त होती हैं। तो क्या है तेरे कंसर्न्स, क्या है तेरे, बता। तेरे कंसर्न ये है कि मैं किस चीज़ का ध्यान रखता हूँ और मैं पैकिंग नहीं करता हूँ। यार देख, बात क्या होती है, मैं हूँ लड़का, मर्द, हाँ मैं हूँ मर्द। अब मर्द तो देख ऐसे ही होते हैं, और ये पैकिंग वैकिंग ये औरतों के काम है, ठीक है ये। हाँ एग्जैक्टली, हम तो आज तक देखते आए हैं और हम आगे भी देखते रहेंगे, और हमारी 200 पीढ़ियां देखती आई हैं। बस ये बात है कि बॉयज ये सब चीजें नहीं करते, लड़के लड़कों के लिए काम अलग बने हुए, लड़कों के जैसे ये गाड़ी चला रहे थे, ये लड़कों का काम है ना, ये मर्दाना काम है ना, मर्दाना काम, जोर लगेगा इसमें थोड़ा सा। सोनिया ज्यादा बेटर गाड़ी चला लेती है, ठीक है ना, ज्यादा बकवास मारने की जरूरत नहीं, वो तो लेवरेज दे रही है। ऐसे पानी पूनी में गड्ढों वड्ढों में नहीं चला पाएगी वो। अच्छा, हाँ वो बस प्लेन रास्ते पे चला सकती है। अच्छा, हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे को। अच्छा। तू बता दे भाई, भाई मर्दों को पता होता है। हाँ ये भी है, मर्दों को क्या पता होता है कौन कैसे गाड़ी चलाता है, मर्दों को सब पता होता है, ये बस वो बात होती है कि बस बढ़ावा देने वाली बात है औरतों को। अच्छा, थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया है। हाँ भाई, भूल गई है क्या, याद दिलाना पड़ेगा। अरे बैक सीट पे बैठे हो तुम, भूलो मत। अभी डिक्की में से निकालता हूँ, मैंने भी रखा है।
क्या ये रोड पे ही निकाल के मारेगा और क्या, नहीं तो ये इतने वो कौन सुनेगा भाई, पैट्रियार्की नाम की भी कोई चीज होती है। खाने बनाते हैं घर पे हम हम खाने बनाते हैं। मैं मर्दू, मैं पानी का गिलास तक उठा के लाना था ऐसे मर्द पे जो बहन पानी का गिलास उठा के पीता। और क्या, ये आप व्यूअर्स के लिए भी है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आज ही छोड़े अपनी मर्दानगी का वास्ता। और ये घर में झाड़ू मार रहे होते हैं घर में झाड़ू कब, आज तक नहीं मारा घर में। अच्छा। कोई भी वीडियो दिखा दे मेरी घर में झाड़ू मारते हुए, वीडियो बनाएगी ना, हमने तुम्हारी इज्जत रखी हुई है। अरे और क्या, हमें अपने बर्तन झाड़ू कितनी बारी पैर दबाए बर्तन झाड़ू तो मुझे पता भी नहीं, जो मांझ रहा था मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। सही बात है, शान के खिलाफ होता है भाई। और क्या, इस बार अगला ब्लॉग आएगा जिसमें ये तुम दोनों हमारे पैर दबा रहे हो। दो चाय लॉकडाउन के रेट है ये दो कर दो सही में सही जी बोलिए झूठ नहीं तेरी कसम है, तो जो सब बोलते हैं वो सच होता है, है अलग बातचीत। मेरे को तो कुछ नहीं लग रही। क्या बोल रहे आपको ओपिनियन चाय के मामले में नवल वर्ल्ड है मेरे। अच्छा पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। ज्यादा बात मत कर, चल टाइम खराब हो जाएगा, चल ज्यादा बात मत कर, लड़कियों लड़कियों से ज्यादा बात मत किया कर, मैं बता रहा हूँ इज्जत कम हो। पॉइंट टू पॉइंट बात कर, समझ रहा समझ गया, हाँ या ना ठीक है समझ रहा, अभी देख तू अभी देख तू आने दे इसको वापस। हाँ पैसे दे तो बोल रख लो, आप रख लो बाकी के। दो दो ले लिए, अबे दो के लिए एक ही का बजट था हमारा, हम भाई बजट ट्रिप पे निकले हैं, पता नहीं है क्या तेरे को, तबीयत ठीक नहीं है भाई, ये बहुत महंगी है यार। भैया को बोल ठीक ठीक लगा लो, दो ले लेंगे। ऐसे करके लेनी चाहिए थी, दो लेनी है तो। कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ आ चुका है, आ चुका है। हाँ मेरे मेरे डाइवर्ट कर दिया, 2 करोड़ रुपए दे चुका हूँ अभी तक। फायदा क्या हुआ यूट्यूब चैनल चलाने का, पैशन है। बस मेरे को 50 रुपए मिले हैं और 2 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका, ऐसा ही है भाई। 50 रुपए भी नहीं मिले तुझे अभी तक यूट्यूब से बहन चोद। वो पिंड तेरा सारा गैंगलैंड बनिया, आगे दिए जट के लगे राम मार जा, ऐसे नहीं आता कॉपीराइट पता है। ऐसे गाने गाओ। मैं ना गाना गाऊँ तो पता, दिल से गाता हूँ गाना, दिल में ही गाया करूं, दिल से जो गाता हूं। क्यों इतना प्यार बर्दाश्त करते हैं, एक YouTube चैनल बना दूं उसमें गाने गाऊंगा ठीक। चाहे के ऊपर अगली वीडियो में फ्यू मोमेंट्स लेटर में मैं वहां पे एडिटिंग कर रहा हूं, पिछली वाली में गीत रिपीट कर रहा हूं। बच के टट्टी करिए इस ट्रिप में, नहीं तो कहीं ना कहीं फ्यू मोमेंट्स लेटर डाल दूंगा मैं। प्रेम डिल्लन तेरे स्कूल में भी तो होंगे डिल्लन मिले, पता नहीं भाई मेरा दोस्त नहीं था भाई कहीं, वो तेरा दोस्त जो उस दिन मिला था वरुण, उसका नाम कहीं वरुण डिल्लन तो नहीं।
क्योंकि काफी ढीला ढीला बोलता था वो। भूषण घर बंदा की तरह बोल रहा था ना। मैं तुहानू बाद विच कॉल करता हूँ। ओ माय होली जीजस, ओ माय होली जीजस, एक चिकन बर्गर दे दो। गाइस ये चिकन मैग्रिल जो है ना, वो ठंडे ठंडे चिकन मैग्रिल खा के मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। ओ हो हो ओ माय जीजस, तभी क्या बताऊं। मिडवे पे कह रहा था ये मैकडॉनल्ड वालों को ये देखे उनसे गरम गरम बर्गर लेते हैं। हां बरकत जो है ना वो ठंडे बर्गर खाने से ही आती है, मैंने देख लिया, ऐसे नहीं आता। ये क्या नहीं है, मसाज पार्लर। तुम्हें क्या था ये? अरे भाई अच्छा नहीं, यहाँ पढ़ा मैंने बड़ा फिर आगे नीचे पढ़ा नहीं। और ठंडा मरगा, अब चिकन है ये, चिकन ना खाता भाई तू। मैंने अच्छा पंडित आदमी है तू, अब पंडित बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पंडित आदमी तू, हिंदूवाद चल रहा है आजकल। अबे ये क्या कर रहा भाई, चिकन चिकन खा गया कोटी का तुझ पंडित। ऐसे फेंकते हैं अगर ट्रिप पे आते ना, ऐसे सामान फेंक देते हैं, हो गया ऐसे फेंक देते हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं लगता। बोर्ड पे शक्ल देख मैं जो अंकल कॉन्स्टिपेटेड है सच्ची में, दांत दबा के फोटो खिंचवा लिए थे, मुंह खोल लेता। देखियो देखियो दिलदान, इनको बहन जो फोटोग्राफर भी नहीं बोलता भैया, थोड़ा सा मुंह खोल लो यार। वो वाला भी अच्छा था यार, बनर होटल सही होटल था वो, उसमें ना वो बड़ा सही था। ये एक अलग कमरा, एक अलग कमरा, बीच में हॉल। आपको पता है मैं वही बोलने वाली थी, आपको बनारस वाला इसलिए अच्छा लग रहा था कि वो ऐसा था, एक कमरा इधर एक कमरा इधर और बीच में बहुत सारा बड़ा हॉल। बालकनी भी अच्छी थी, बालकनी भी अच्छी थी और रात में टॉयलेट भी फैसिलिटी भी थी बालकनी में। कोई देख नहीं रहा तुम कहीं भी मौत हो, हमें खुद ही नहीं दिख रहा था भैंस रात में। गाइस बॉर्डर आ गया, बॉर्डर। अब यहाँ पे आरटीपीसीआर मांगेंगे और हमारे पास बिल्कुल नहीं है आरटीपीसीआर, कतई नहीं है। हमें जाना तो सीधे है ना, कतई नहीं। ये देखो टुल्ले आ गए गाइस, टुल्ले आ गए गाइस, सीधा जाना ही नहीं है गाइस, उधर जाना है गाइस, भाई सीधा जाना है ना गाइस, नहीं जाना क्यों, वो जा रही है ना देख। अच्छा यू टर्न मार के आ रहे हैं, ये क्या बात हुई गाइस। नहीं उधर कैंप लगा रखा होगा इन्होंने भाई। अच्छा ये भेज रहे हैं हमें, ये नेगेटिव नेगेटिव ये मेरे को सही है, मतलब सही लगा ये प्रोसीजर। नहीं ठीक है यार, 10 मिनट लगते हैं। नहीं वीकडे के लिए ठीक है, वीकेंड में बहुत रश होगा। हम सब नेगेटिव है ये। अबे पीछे देखना, चल ठीक है मतलब। भाई लोगों अगर आप लोग मसूरी देहरादून और कहाँ भाई यहाँ कौन सी जगह है, यहाँ पे भीमताल मुक्तेश्वर कहीं भी आ रहे हो तो उत्तराखंड से तो जाने पड़ेगा ना। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो तो आपको यहाँ पे फटाफट से एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर अंदर वीकडेज में आ रहे हो तो, और अगर वीकेंड पे आ रहे हो तो शायद 1 घंटा लग जाएगा, बट इतना कोई थोड़ा हैसल फ्री प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से लेते हैं वो स्वैब आपका और 10 मिनट में आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देते हैं अगर आप नेगेटिव होते हो तो। हाँ बट तू तो पॉजिटिव था ना जब दिल्ली से चला था, तो यहाँ के नेगेटिव कैसे हो गए? वो मैंने फटाफट से पहले ही 100 रुपए दे दिए थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो नेगेटिव रिपोर्ट ही देते हैं यहाँ पे। हाँ वो नेगेटिव ही देते हैं। अबे उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी सारी नेगेटिव थी, पॉजिटिव तो एक भी नहीं थी। और पॉजिटिव आएगी तो उनकी सबसे पहले गांड फट जाएगी यार। बट प्रोसीजर काफ़ी अच्छा था तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। और काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, अगर अगर आप वीकडेज पे आते हैं तो वीकेंड पे तो आपको पता ही वीकेंड पे तो दुनिया आती है भाई। ये नाक में उंगलियां मारे जा रहा खड़ा हो गया। देखियो देखिए ये देखो अरे भैया ने इतनी नाक में उंगलियां मारी है ना कसम से, पूरा नाक साफ कर लिया। अबे यहाँ पे भी हो रहा है क्या एंटीजन? मैं जो गाड़ी आने लगी हुई है
भाई वो पर्ची संभाल के रखियो, कहीं दोबारा नाक में गुजर रहे हो तेरी फाड़ खा जाऊंगा तो पर्ची में मेरी घूम गई ना तेरी पर्ची खा जाऊंगा मैं ही रिक्शा हूँ बोल के जाना है फोन कर दो अभी करते हैं जाके बेटा पहुंच के करते हैं वीडियो कॉल चिकन वाली दो ले लो और वेज वाली भी दो ले लो भैया फ्रेश है ले क्या लाएगा पैटी मर्दों के लिए चिकन औरतों के लिए वेज तेरे लिए चीज भी लाए थे अलग अंशु आपके लिए एक अलग से चीज भी लेकर आया अब मैं फूड व्लॉगर बन जाता हूँ दो मिनट के लिए गाइस ये चिकन पैटी है और थोड़ी क्रिस्पी पैटी है ये कोई शेक वेक पीने का मन है क्या नहीं मिलते हैं क्या बढ़िया कहाँ पे इसी रोड पे अच्छा पिला दियो चिकन पैटी है इसका टेक्सचर थोड़ा क्रिस्पी लग रहा है अच्छा बाइट लेके देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसी है ठीक गंदी मत करिए बस गाड़ी नहीं तो तेरी जबान से चटवा चटवा के साफ करवाऊंगा गाइस टेस्ट है गाइस टेस्ट है टेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है एक बाइट और लेनी पड़ेगी तब आपको एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में पता चलेगा गाइस आज की तो नहीं है गाइस आज की नहीं आज की तो नहीं है पुरानी लगा पर गाइस थोड़ी ना थोड़ी नमी है पैटी में वो तो वेदर की वजह से हो रही है और गाइस टेस्ट में ना टेस्ट में एक बहुत ही साधारण पैटी की जैसी है साले क्या है इसमें फेमस वैंचो चूतिया ऐसे नहीं खा सकते तो मम्मा खिलाएगी बेटा एलोरा वैसे तो बहुत राजपुर रोड पे वैसे तो बहुत सारे एलोरा मिल जाएंगे आपको मगर ये भैन का रोड़ा एलोरा आपको और कहीं नहीं मिलेगा बहुत अच्छा है एलोरा आई लव एलोरा एंड जनता जेन्युइन पैटी गाइस जेन्युइन दो दिन पुरानी पैटी इतनी स्वाद कैसे लग सकती है मेरे को समझ नहीं आ रहा बारिश ना हो रही हो ना अभी रूम खोल देता मैं कल आउट 9 पे हूँ हाँ अभी तंग गली में जाना पड़ रहा इसको शीशा करा बंद थोड़ा उधर भाई साहब अभी शीशा अंदर नहीं सीधी कर ले इसको आराम से निकल जाएगी तेरी सो गाइस हम आए हुए हैं मसूरी और ये है हमारा एयरबीएनबी ये एयरबीएनबी पे बाहर का व्यू तो बहुत ही सॉलिड है बट इसकी लोकेशन थोड़ी अंदर है एयरबीएनबी तो अच्छा है अब यहाँ से सीधा जाएंगे थोड़ा स्टीप चढ़ाई है
बट यहाँ से सीधा मॉल रोड निकलता है, 5 मिनट का है, बट 5 मिनट काफ़ी स्टीप है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना एयरबीएनबी भी, पुरुषोत्तम धीर। ये एंट्री है, एंट्रेंस। ये है लिविंग रूम। ये बार यूनिट है छोटा सा। दिस इज किचन। इनोवेटर दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? खोल दो। हाँ वेरी गुड। ये देखो ये यहाँ का व्यू है बाहर से, यहाँ से बंदर आ जाते हैं अंदर। अबे ये खुलेगा कैसे? ओहो ये तो अच्छा। गाइस अच्छा है ये एयरबीएनबी, एंड दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम। अंदर से बंद है क्या? हां बंद है, बंद है। देख वहां से तो बंद। अच्छा ठीक है खुल गया। इनू हेलो हेलो, फर्स्ट बेडरूम है। इसका भी व्यू अच्छा है। आज तो सारे बारिश ही बारिश है, बादल ही बादल है पूरे मसूरी में, तो व्यू बहुत अच्छा होगा। दिस इज मी गाइस, हेलो। ओ मैं आ रहा हूँ मुझे वेट। दिस इज सेकंड बेडरूम जो हमने लिया, हमारा बेडरूम है। अटैच टॉयलेट भी है यहाँ पे, रिक्लाइनर भी है। और अभी तक तो गाइस ठीक लग रहा है घर ओवरऑल। ओए टॉयलेट, टॉयलेट क्या ही देखोगे। तारीफ करूं क्या की जिसने तुम्हें बनाया। बेटा आप लॉक मत हो जाना, सारे दरवाजा बंद करे जा रहे हो आप। धनौल्टी में ही है तो धनौल्टी का एयरबीएनबी भी दिखा दे घर वालों को। उनको बोल हेल चाम, ढूंढते रहो बहन चोक। वो तो जूते सूख रहे हैं लेकिन भीग रहे हैं। कहाँ हैं? ओ भाई साहब क्या जूते सूख रहे हैं।